पुष्पा धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेजल्स वर्ब्स के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जनरली आजकल की इंग्लिश में अगर हमें यूज़ करना हो तो स्पीकिंग में हम लोग वर्ब्स की जगह फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा बेटर होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर टॉप 10 फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। जी हाँ, टॉप 10 के बारे में। मैंने पहले भी इस पर कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेजेस क्या है? रिप ऑफ, रिप ऑफ, रिप ऑफ का जनरली यूज बहुत कई बार यूज होता है। रिप ऑफ का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना या किसी को ठग लेना, किसी का फायदा उठा लेना। जैसे सपोज करो कि आप मार्केट जाते हैं और आपको कोई चीज़ परचेज करनी है और आपको उसके बारे में कोई खास पता नहीं होता, तो सामने वाला आपको क्या कर लेता है, हर कुछ प्राइस में दे देता है, ज़्यादा पैसे ले लेता है आपसे, तो वो आपको क्या कर देता है, आपको ठग ले। जैसे कि आप इसमें यूज़ करेंगे व्हेन आई गो टू मार्केट दे रिप मी ऑफ, मतलब जब भी मैं मार्केट जाता हूँ वो लोग मुझे ठग लेते हैं या मेरा फायदा उठा ले, इसलिए मार्केट ही नहीं जाऊंगा। तो रिप मी ऑफ का मतलब जैसे कि क्या होता है, कई बार आपसे कहा, जैसे कि आप मार्केट गए, जैसे सपोज करो कि आप वेजिटेबल परचेस करने गए तो आप बहुत महंगी वेजिटेबल्स परचेस करके ले आए, जैसे आप 10 रुपए पर केजी था वो आप 20 रुपए पर केजी लाए, तो घर पे आए आपके मम्मी ने आपको बोला कि दे ripped you off, दे रिप का ripped हो जाएगा, दे ripped you off मतलब उन लोगों ने तुम्हें ठग लिया, जैसे तुम्हें पता नहीं था उसका रेट क्या है तो उस बंदों ने तुम्हें क्या कर लिया, ठग लिया, तुम्हारा फायदा उठा लिया। तो यहाँ पे धोखा देना, चीट करना, और इस तरह से जनरली इसका यूज हम रिप ऑफ का यूज करते हैं जब आपको कोई ठग ले, जैसे दुकानदार, शॉपकीपर, इन सब चीजों में हम इसका रिप ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है पास अवे। जी हाँ, पास अवे का जो जनरली यूज होता है उसका मतलब था डाई, मतलब किसी की डेथ हो जाना। पास अवे मतलब क्या हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, उसमें हम पास अवे का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके, जैसे आप कहीं गए और आपने कहा कि वो मिलेंगे क्या, तो वो कहेंगे वो तो 5 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो किस तरीके से कह सकता है, ही पास्ड अवे 5 ईयर एगो, मतलब वो 5 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो पास्ड अवे, तो यहाँ पे एक्चुअली हम पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस से बात कर, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज हो जाता है पास्ड अवे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, देन पास अवे मीन्स किसी की डेथ नॉट डाई। नेक्स्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, क्या करना, देखभाल करना, किसी की भी देखभाल करना, इज कॉल्ड लुक आफ्टर। जैसे कहते हैं यार अभी मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है इसलिए मुझे उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो आप इसमें किसका यूज़ करेंगे, लुक आफ्टर का यूज़ करें। जैसे कि क्या हो जाएगा, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनकी जो तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही इसलिए मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा कि माई ग्रैंडफादर इज़ नॉट वेल सो आई हैव टू लुक आफ्टर, तो मुझे उनकी देखभाल, लुक आफ्टर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आप कुछ कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो देन वो फिर इसके बाद आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं आप कैरी ऑन करो। कैरी ऑन मीन्स होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। आई कैरीड ऑन स्पीक मतलब मैंने बोलना चालू किया, मैंने बोलना कंटिन्यू किया, तो मैंने बोलना कंटिन्यू, कैरीड ऑन स्पीक, मैंने आई कैरीड ऑन स्पीक मतलब मैंने बोलना चालू किया, कंटिन्यू किया मतलब वहाँ से आगे कंटिन्यू किया, तो इट्स कॉल्ड कैरी ऑन। कैरी ऑन जनरली कंटिन्यू वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लीज़ कैरी ऑन, प्लीज़ कैरी ऑन का मतलब चलिए आप कंटिन्यू करिए, आगे बोलिए। नेक्स्ट है चेक इन। जी हाँ, चेक इन बहुत, आपने जैसे आपने कभी होटल्स बुक करी होंगी, आप होटल्स में जाते हैं तो आप वहाँ पर चेक इन करते हैं। चेक इन करने का मतलब होता है कि आप होटल में जाकर आप उसमें जो डेस्क, फ्रंट डेस्क पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि जैसे आप जब भी एंट्री करते हैं तो आप उसको चेक इन वर्ड बोलेंगे, जैसे कि आई चेक इन होटल 6 AM, मतलब मैंने सुबह 6 बजे होटल में मैं गया, तो आई चेक इन 6 AM, मतलब चेक इन किया, मतलब आप होटल में आपने कब एंट्री की, जैसे आपने होटल में एंट्री कब हुई आपकी 6 AM को, तो आई चेक इन एट 6 AM। नेक्स्ट है चेकआउट। चेकआउट मीन्स जैसे सेम चेक इन मीन्स होता है कि आप होटल में आप अंदर एंट्री हुई आपकी, चेकआउट मीन्स होता है आपने होटल को लीव किया, छोड़ दिया, तो जैसे आई चेकआउट माई होटल एट 7 PM, मतलब मैंने शाम को 7 बजे मैंने होटल से चेकआउट कर लिया, चेकआउट कर लिया मतलब वहाँ से मैं चला गया। नेक्स्ट आता है 7 चिकन आउट।
बहुत शानदार है, चिकन आउट। आपने जनरली ये चिकन आउट वर्ड यूज नहीं करते, ना ही ज्यादा चलन में है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा यूज में होता है चिकन आउट। चिकन आउट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल में जैसे क्या होता है कि जो इसका मीनिंग होगा, जैसे एंड टाइम पे, जैसे कोई बंदा पहले बहुत करेज दिखाया, बहुत कॉन्फिडेंस रहा, और जब एंड टाइम पे बारी आई तो फुस हो गए। जनरली बोलते थे डर जाना, फुस हो जाना, मीन्स कुछ नहीं कर पाना। जैसे पहले बहुत कौन, जैसे मान लो कि एक बंदा है, वो किसी लड़की को प्रपोज करने जाता है, तो उसके पहले बड़ा वो कॉन्फिडेंस रहता है, बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है उसको, और करेज के साथ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है सब सट्टी गुल, फुस हो जाना, मीन्स चिकन आउट। तो ये हो जाएगा कि जैसे शैलेंद्र सेड टू मी ही प्रपोज्ड द गर्ल, बट एट द लास्ट मोमेंट ही चिकन आउट। मतलब वो उसको जरूर प्रपोज, उसने शैलेंद्र ने मुझसे बोला कि वो उसको प्रपोज करेगा, लेकिन जैसे ही लास्ट, जैसे ही उसको प्रपोज करने की बारी आई, डर गया भाई, फुस हो गया। तो इसको हम यूज करेंगे चिकन आउट, मीन्स मतलब एट द लास्ट मोमेंट कोई बंदा क्या हो जाए, जब डिसकरेज हो जाए या उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको डगमगा जाए, कुछ ना कर पाए, वो पहले बड़े हाव भाव में जाएगा, नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं मैं ये कर लूंगा, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, लेकिन जैसे ही क्या हो, जब टाइम आए, जब बारी आए, तो भाई सबसे पहले बंदा वही मतलब फुस, तो उसको कहेंगे चिकन आउट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ले ऑफ। ले ऑफ, LAY, ले ऑफ। देखिएगा ले ऑफ जनरली एक इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये कई बार यूज होता है। एक पे ऑफ होता है, एक ले ऑफ होता है। ले ऑफ का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। ले ऑफ का मतलब होता है आपका कि कोई भी बंदे को जॉब से बाहर निकालना, इसलिए नहीं कि उसकी कोई कमजोरी की वजह से, इसलिए कि हम उसको प्रॉपर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही, उसके टैलेंट की वजह से, उसको मतलब उसमें टैलेंट बहुत है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको पे नहीं कर पा रही वो कंपनी या जो भी है, पैसे की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से उसको बाहर निकालना कहलाएगा ले ऑफ। जैसे कि ही ले मी ऑफ बिकॉज ऑफ ही कैंट पे सैलरी, मतलब उन्होंने मुझे इसलिए निकाल लिया क्योंकि वो सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे। तो ले ऑफ का मतलब ये होता है। नेक्स्ट लीव आउट। लीव आउट, लीव आउट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूलना, मिस होता है लीव आउट। जैसे मान लीजिए कि जैसे होता ना, अरे यार मैं तो भूल ही गया, तो वो चीज़ भूलना, फॉरगेट जनरली लीव आउट यूज करते हैं उसके लिए हम। जैसे मान लीजिए कि जैसे I wrote the name, but I left you out। लीव का सेकेंड फॉर्म होगा लेफ्ट होगा, तो इसलिए मैंने लेफ्ट यू आउट बोला है। तो जैसे मैंने नाम लिखे, आई रोट द नेम, बट मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मैं तुम्हारा नाम भूल गया, तो आई रोट नेम्स बट I left you out। मतलब मैंने नाम लिखे लेकिन बट मैं तुम्हारा नाम भूल गया। तो लीव आउट मीन्स होता है forget। नेक्स्ट है पुटॉन। जी हाँ, पुटॉन का मतलब दो तरीके से यूज करते हैं। पहला होता है वेयर, कपड़े पहनना, कुछ भी चीज़ पहनना इज वेयर। जैसे वेयर मीन हम जैसे वेयर यूज करते हैं, आई वेयर स्वेटर शर्ट वॉट एवर, तो यहाँ पे पुटॉन आप यूज करें, आई पुटॉन स्वेटर। लेकिन अगर एक ये होगा एक मेन चीज़ किसी चीज़ को पहनना, पुटॉन यूज करते हैं हम। अब नेक्स्ट है एक और पुटॉन का मतलब होता है, पुटॉन मीन किसी चीज़ की कवर, किसी पे कोई कवर चढ़ाना, कोई बात करना। जैसे कि मान लो किसी को कोई ऐसी बात के किसी ऐसे कर में फंसाना जो कि बिल्कुल सही ना हो और अनट्रू हो और गलत हो। जैसे कि डोंट बिलीव हिम, ही ऑलवेज पुट हिज वर्ड्स ऑन यू। मतलब ये है कि उसकी बात पे बिलीव मत करना, वो हमेशा अपने शब्दों के जाल में तुम्हें फंसाना चाहता है। तो कोई पुटॉन का वर्ड वहाँ भी यूज़ करते हैं, कोई जब आप कोई एक गलत बात बोल रहा हो, गलत चीज़ बोल रहा हो, और उसके आपसे कह रहे हैं कि आप बिलीव करें उस चीज़ को, लेकिन वो अनट्रू बात है, बिल्कुल गलत बात हो, तो वहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, पुटॉन यूज़ करेंगे। पुटॉन दो तरीके से यूज़ करेंगे। पहला यूज़ कैसे करेंगे, कोई चीज़ पहनना वेयर करना, जैसे आई पुटॉन स्वेटर है ना, और आई पुटॉन शर्ट। और अगर जैसे मान लो कि कोई दूसरा क्या है कि एक अनट्रू या कोई एक रेडिकुलस बात जिसको आपको चक्कर में फंसाना चाहे, गलत बताना चाहे, तो आपके ऊपर वो शब्द जाल का खेल करना चाहे, जैसे कि कहना चाहे कि भैया आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, जस्ट एक अनट्रू थिंग्स जो वो आपको लेकिन फंसाना चाहे, तो उसमें पुटॉन वर्ड यूज करते हैं। तो होप यू गाइस आपको ये 10 की 10 फ्रेजल वर्ब्स आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्यों, और साथ में नोटिफिकेशन
के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और आपको अगर कोई और टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपको नेक्स्ट और भी वीडियोज़ बना कर दूंगा। और प्लीज़ जो और अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स और भी पढ़ना है तो आप दूसरी वीडियो को चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।